एसीपी रेगो। यस मैडम। मैडम हमें यहाँ पे सिर्फ कार मिली। सबसे पहले किसने देखी? कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे, उन्होंने। और कितने दिन बीते होंगे? करीब 2 हफ्ते। एक्सक्यूज मी, डिड यू फाइंड एनीथिंग इन द लेक? नो सर, डोंट वरी। जब कार डंप की गई तो उसमें कोई नहीं था। रेगो, ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रैप इट अप। सैम के मोबाइल से आखिरी कॉल 2 अक्टूबर को शाम को 7:12 को की गई थी। सिग्नल के मुताबिक उसकी लोकेशन पोंडोलिम थी। रात को 10:30 उसका फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया। अगले दिन सुबह 9:25 को पणजी में उसका फोन दोबारा स्विच ऑन हुआ। उसके बाद वो फोन कांचीपुरम गया और कांचीपुरम में जाके स्विच ऑफ हो गया। मैडम, अब तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर से मुझे लगता है कि हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन गोवा तक ही सीमित रखनी चाहिए, फॉर द टाइम बीइंग। ये 2 अक्टूबर को सैम ने जिससे आखिरी बार बात की थी, उस नंबर के जरा डिटेल्स निकाल। यस मैडम। यस, हाँ भेज दो अंदर। मैडम, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट से 2 अक्टूबर की 10:00 पणजी के एक एटीएम से कैश विड्रॉ किया गया है। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। कितना कैश विड्रॉ हुआ? 20,000 सर। 20,000? इतना पैसे क्यों चाहिए उसे? सर, और एक बात, 2 अक्टूबर को जो फ़ोन आउट ऑफ रेंज गया है और 3 अक्टूबर की सुबह जो फ़ोन स्विच ऑन हुआ है, ये दोनों फ़ोन अलग अलग हैं। इनके IMEI नंबर्स भी अलग हैं। मैडम, हो सकता है उसने नया मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए ATM से कैश विड्रॉ किया हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने नया मोबाइल खरीदा था। मुझे लगता है हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। सर, ये क्या? पंचायत बिल्डिंग टैक्स। मैंने तुम्हें भरने के लिए कहा था ना? कब कहा था? ये कुछ 3 हफ्ता पहले। 3 हफ्ते? समीर देशमुख, IG मीरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहां पोंडोलिम में था। यही है वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहां आया था। येलो ह्यूंडई गेट्स GA07MJ1011। ये कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं है। देख, तुझे कुछ प्रॉब्लम रहा मुझे बोलने का। और दिगंबर, आता पोरगा कसा है तुझा? बरा ही साहब, आजकल मैं डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, जरा 200 रुपए निकाल। नहीं, पैसा नहीं। क्या नहीं है? अस्पताल तेरे बेटे का इलाज के फ्री में कर रहा है? नहीं, ऊपर के जेब में क्या? नहीं, कुछ नहीं। चल दिखा, बस 50 रुपए, चल भाग। मार्टिन, एक पान मसाला दे। अरे पान मसाला, आज चाय नहीं खाए तोंडे साहब? नहीं बाबा, चाय पीने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। एक बड़ा केस हाथ में आया है मेरे। कौन सा केस? एक येलो कलर की हुंडई गेट्स कार पावेलिम स्टोन कोरी के तालाब से रिकवर हुई है। पावेलिम में रिकवरी हुई ना, तो तुम्हारा वहां क्या काम? सच है, लेकिन क्या करें, डायरेक्ट IG ऑफिस से कॉल है, क्योंकि वो कार IG के बेटे की है ना। अब IG तो गोवा की सारी पुलिस काम पे लगा देगी। सावन साहब और मैं इस केस पर काम कर रहे हैं। चलो निकलता हूं, तुम्हें क्या? सावन साहब,
सावन साहब। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हाँ बिल्कुल। फालतू बड़बड़ मत कर गायतोंडे, तेरा विजय के साथ झगड़ा है इसलिए उसको इसमें मत घसीट। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। सिर्फ सिर्फ इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार का जिक्र किया था तो हिल गया था। अब देखना, इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा ना तो पलट के देखेगा। अभी देखेगा। क्या हुआ, तू पागल हो गया है गायतुंडे? अरे विजय साणगांवकर और आईजी का बेटा समीर देशमुख, इनमें क्या कनेक्शन है? सर गायतोंडे और विजय की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो विजय को इस मामले में घसीट रहा है, या फिर गायतोंडे की गलतफहमी हुई होगी। सर सर इस महीने के 3 तारीख को सुबह 7:15 बजे मैं सुभाष साळवी के घर पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तब वहां पे मैंने विजय साळगांवकर को देखा सर, एंड आई एम 100% श्योर। इस महीने की 2 तारीख को शनिवार को तुम लोग कहाँ थे? हम सब सत्संग के लिए पंजी गए थे। कब लौटे? अगले दिन रविवार को। कितने बजे? शाम को। सत्संग कहाँ था? पंजी में। पंजी में कहाँ? पट्टू कॉलोनी में। अच्छा, पट्टू कॉलोनी में सत्संग था? पट्टू कॉलोनी में आश्रम है वहाँ पे। विजय ये सब क्या चल रहा है, पुलिस सच में आएगी क्या? 100% कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी जरूर। पर तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, पुलिस के पास सैम के बारे में कोई सुराग नहीं है, ना ही कोई सबूत। हाँ लेकिन वो सबूत तैयार करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तुम लोगों से उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, कभी प्यार से कभी डरा धमका कर। शायद मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुम लोगों की आंखों के सामने पीटे भी, लेकिन अगर उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला तो वो हमें छोड़ देंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपना बयान हर किस्मत बदलना, जैसे तैसे डटे रहना। तुम दोनों इतना कर पाओगे? पापा और मम्मी को बहुत मारेंगे। तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम जब बदमाशी करती हो तो मेरा हाथ भी उड़ जाता है ना, बस इतना ही। डरो मत, रात बहुत हो गई, जा सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। विजय हम शनिवार को यहाँ नहीं थे, ये प्रूफ कैसे करेंगे? ऑफिस में या मार्टिन्स कॉर्नर में किसी ने तो तुम्हें देखा ही होगा।